उन्होंने कहा 7 साल तक मुझे कोई मार तो नहीं सकता, 7 साल तक ये बीमारी मुझे मार नहीं सकती, कोई जानवर खा नहीं सकता, इसलिए मैं गारंटेड है कि 7 साल के बाद ठीक जरूर होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अब मुझे कोई नहीं मार सकता। 7 दिन बीते थे, 7 दिन 80% ठीक हो गई। बाज देखता है गुस्से में, 7 दिन में इतनी ठीक हो गई, परमेश्वर झूठ बोलता है, उन्हें 7 साल कर्ज दिया और सीधा परमेश्वर पर जाता है। उन्हें कहा परमेश्वर आप झूठ बोलते, अब मैं 7 साल कहा था, ये 7 दिन में ठीक कैसे हो गई? परमेश्वर कहता है बेटा इन्हें 7 दिन में इतना धन्यवाद दिया ना कि 7 साल का कर्ज 7 दिन में खत्म करो। यह धन्यवाद की पावर, यह धन्यवाद मुद्दे जिंदा हो जाते हैं। तब उन्होंने पत्थर हटाया और यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली, मैं जानता था कि सदा तू मेरी सुनता है, परंतु इस भीड़ के आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने कहा है जिसे वे विश्वास कर तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकला, क्या कहा? जिंदा हुआ ऐसा बोला? एक नॉर्मल आवाज है, कोई आवाज दे अरे पास बाहर आ जाए, हम आवाज देते तो हमें पता है कि अंदर हम जिंदे बैठे हैं। परमेश्वर को पता था वो जिंदा हो चुका। आज आप ना अपनी आंखें खोलना कि परमेश्वर जो मैं मांग रही हूँ मुझे मिल चुका, तो धन्यवाद। जो हमें आज आई हूँ ना तो मैं 100% लेकर जाऊंगी, क्योंकि बाइबल में हमें ये दिखाती है। एक और वचन पढ़ेंगे हम, रोमियो 4:17, ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। ये विश्वास है, आज हमें विश्वास हो गया कि पंजाब नेक्स्ट बनने वाला है। इस चीज को देखकर लग गया कि खुदा ने अब हमारी सुन ली। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के अंतिम तक साथ चलेंगे, तृप्त किए जाएंगे। 4:17 में साफ लिखा है, देखो जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया है, जो मरो को जिलाता है। अब ये वर्ड है, सुनो, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वह, जो बातें है ही नहीं, या पंजाब सोचा है किसने बनने के लिए, है ही नहीं। आज हम डिक्लेयर करेंगे बन चुका है, आज से हम डिक्लेयर करेंगे आप ब्लेस हो चुके हो, आज से हम डिक्लेयर करेंगे कि सब कुछ काम हो सके। ये जो काम है ही नहीं, हमें सामने है ही, नामुमकिन है, नामुमकिन है। एक जगह पे एक दंपत्ति गए, यानी कि पति पत्नी गए, निराश परेशान, डॉक्टर के रिपोर्ट, संतान नहीं, अचानक ऐसे चर्च में जाते और पास्टर यही प्रचार कर रहे होते, बाहर की कंट्री की गवाही है, तो कहते बेटा मान लो आपके पास संतान है, जाओ बच्चों के पास। लोग उनके अंदर विश्वास आता है, वो जाते हैं झूला लेने आते हैं बच्चों का सब। अब लोग आसपास हंसते हैं कि तू पागल हो गए हो, तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, 9 साल 10 साल हो गए, अब क्या होगा? उन्हें कहा नहीं, हमें विश्वास है, और अगले साल ट्विंस होते हैं। यह है परमेश्वर की मृत्यु का क्या कहता है, देखो साफ लिखा है, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वह। ये परमेश्वर हमें बताता है, आज मानो कि आपके जीवन की खुशियां आ चुकी है, आज मानो जो सालों में नहीं हुआ ना वो आज होगा, आज मानो कि आप तृप्त हो चुके हो, आज मानो कि परमेश्वर ने आज आपकी लाइफ को हरा भरा कर दिया। अरे आप बुलाए नहीं, आप चुने हुए हो, आप भी प्रार्थना योद्धा हो, आप भी परमेश्वर की संतान हो। अरे आप कहो कि परमेश्वर मेरे पास जो नहीं है मैंने मान लिया वो है। आज हो सकता है कि आप सब क्या हो, कबाड़ा हो। पता है आपको, जब हम बातें करते हैं, आपको पता है दीवार के कान होते हैं, पता है जितनी भी चीजें पृथ्वी में सबके कान होते हैं, किसको पता है, होते हैं ना, कैसे होते हैं? देखो एक और मती, मती 21:18, ये हमें सिखाता है कि वाक्य में कान है और आज्ञा मानते हैं। हमारी मुसीबत के कान है ना, उसके बोलना शुरू करो, डिक्लेयर करना शुरू करो, उसे डांटना शुरू करो। देखो आज परमेश्वर कैसे चमत्कार करेगा। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा,
अब से तुझे फिर फल कभी ना लगे। क्या कहा उससे? कहा किससे? कहा सुना उसने, समुद्र सुनता ही। समुद्र ने कहा दो भाग हो जा। अरे जब मुर्दा सुन सकता तो उनके कान नहीं क्या? तो क्या कहा उससे? कहा, और अंजलि का पेट तुरंत सूख गया क्योंकि उसने उस वर्ड को सुना, ध्यान के सूख गया। ये देखकर चेलों का चंबा हुआ और उन्होंने कहा ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो अंजीर के पेड़ से कहा गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र जा पड़, तो यह हो जाएगा। पहाड़ से कहोगे यानी कहना, क्या कहता है परमेश्वर? जा चट्टान से क्या कर मूसा से बात कर, तो चट्टान सुनेगी क्या? अरे परमेश्वर कहता सुनेगी, वो वाणी है उसकी। अरे मुर्दे सुनते तो ये क्यों नहीं सुनेगा? तो जब हमारी जो मुसीबत है ना उसकी भी कान है, डिक्लेयर करना शुरू करो, परमेश्वर इस मुसीबत का अंधा करते मुझे देख ना पाए। हमारा मुसीबत एक ही शैतान जो बीमारी लेके आता है, कलेश लेके आता है। आज पहाड़ उखड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज मैंने कहा ना, आज तो वो होना ही है जो अभी तक नहीं हुआ। अरे जो सालों में नहीं हुआ ना, आज इतिहास रच दोगे आप यीशु मसीह के नाम में। लाजर जिंदा सालों में नहीं हुआ था, चार दिन का मुर्दा, वो जिंदा कर दिया परमेश्वर ने। आज परमेश्वर कह रहा है कि फिर क्या लिखा है 22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। कितना मिलेगा? थोड़ा सब ए से जेड तक। आज परमेश्वर आपके आंसू पोछेगा और नेक्स्ट संडे आपकी 100% नहीं 200% गवाही आएगी। उससे पहले ही आएगी कि हम संडे को ही मिलेंगे। आप यहाँ पे आना, मैं तो नहीं मिल पाऊंगा कि आपकी गवाही सुनूंगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में पिता हम बोलते काम होते पिता, कि आपका आत्मा हमारे अंदर है पिता, आपका डीएनए हमारे अंदर है प्रभु जी, आपकी श्वास हमारे अंदर है पिता। अरे आपने बोला तो सब कुछ हो गया पिता, आपने रखा है हमारे लिए सब कुछ पिता। आज वही विश्वास है पिता जो यहाँ पर है पिता परमेश्वर, तेरा दास का विश्वास इस समय 1000 गुना है पिता, क्योंकि यहाँ देखकर इनका प्रेम देखकर, इनका तेरे में प्रति प्रेम देखकर पिता मैं आनंदित से गदगद हो गया पिता परमेश्वर। पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ इंसान यहाँ जैसा भी आया ना बुझा हुआ वो ना चल जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और जैसे ही घर पे जाएगा ना उसका घर भी लाइट से भर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पिता सेम नहीं रहेंगे आज, आज हर एक जितने भी लोग आए पिता ये वचन के बाद सेम नहीं रहेंगे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूँ मुझे एमपी के धरती में खड़ा होकर कि आप हमें दे दिया पिता परमेश्वर, और बन चुका है पिता परमेश्वर। पिता पंजाब के लिए और जमीन हमने ले ली है पिता परमेश्वर, हमने सब कुछ कर लिया है पिता परमेश्वर, हमने कर लिया है पिता, जितने भी हमारे नीड थे पिता परमेश्वर वो सब तूने पूरी कर दी पिता। बैंक भर चुके हमें विश्वास करता हूँ, कर्जा उतर चुका हमें विश्वास करता हूँ, चंगे हो चुका हमें विश्वास धन्यवाद। हमारी जिंदगी अब सेम नहीं रहेगी, और जितने घर पे छुट गए ना वो भी नाच रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज 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 वो दिन है पिता जो आपने बनाया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज की इस अद्भुत प्रकाशन मीटिंग के लिए पिता। आपने मेरी आंखें खोली है, आपने कहा है वो नाम जो है ही नहीं उत्तम ऐसे लेता मानो है, तो मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता कि सबके जीवन में खुशियां है, चंगाई है पिता, और जो लोग इस चर्च से वंचित है वो भी आ रहे में विश्वास करता हूँ, वो भी आ रहे पिता, पूरी भीड़ की भीड़ आ रही में धन्यवाद करता हूँ पिता, जीवित चर्च से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, और यहाँ पे दूत आ रहे में तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज अभी इसी वक्त इनके जीवन की गवाही शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जो उसके पास नहीं वो आ चुका मैं विश्वास करता हूँ पिता। आज अभी इसी वक्त से पिता, आज से पिता हम सब सेम नहीं रहेंगे पिता, दुगने दुगने दुगना दुगना आदर के लिए होके पिता धन्यवाद करते हैं, अभिषेक से तो भर रहा है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए पिता, अभी लोगों को चंगाई मिलेगी अभी इसी बात पर डिक्लेयर करता हूँ, हाँ और आमीन पिता यीशु मसीह के नाम से। आमीन।